मेरे हमारे मौला। चैनल हमारे से चैनल से जुड़ने के जुड़ने लिए के लिए YouTube यूट्यूब पर पर सलमान सलमान रजा रजा ऑफिशियल ऑफिशियल को को अभी अभी सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। करें। शुक्रिया। बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने, है कि है कि नहीं? नहीं? अल्लाह ने सीने में इतनी ताकत दी, इतनी जान है। पढ़ रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था सीने में फेफड़े नहीं चक्की के पाठ। हाँ, लेकिन मैं शेर पढ़ता हूँ तो आप लोग मेरे पास नहीं आते यार, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? देखिए नौजवान बच्चा सो रहा है, देखिए सामने सब टोपी, अजीब हाल है तेरे बेकरार का, खंबा हिला रहा है बिजली के तार का। बेटा उठ जाओ, उठ जाओ, सुभान अल्लाह। चलिए अच्छा माशाल्लाह, क्या करें, नाज़िम की मजबूरी है भैया, है कि नहीं? हमारा भी कुछ किराया घराया निकल गया, कोई बात नहीं। अब भाई भैया आते जाते रहे, अल्लामा एहसान साहब ने मुझे नवाजा, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आप मुझे दुआ कराना चाहें तो आप भी आ सकते हैं, है कि नहीं? बरकत की दुआ करूंगा इंशाअल्लाह सबके लिए, माफ कीजिएगा, है कि नहीं? हाँ, ये मोहब्बत की बात थी जो मैंने कही थी। बहुत पहले एक औरत ने कहा था अपने शौहर से, क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? शौहर बोला बहुत ज्यादा। माशाल्लाह, 10 के तो 10 के भी हैं, 100 के भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में घोड़े हमने, जब तो इन्होंने अब हमने, है कि नहीं? एक औरत ने अपने शौहर से पूछा था आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? शौहर बोला बहुत ज्यादा। बीबी बोली अगर मैं मर गई, शौहर बोला मैं पागल हो जाऊंगा। बीबी बोली दूसरी शादी तो नहीं करोगे? शौहर बोला पागल तो कुछ भी कर सकता, पागल कुछ भी कर सकता। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मेरे तमाम उलमा की उम्रों में बरकत अता फरमाए, जितने बैठे हैं सब मेरे सर का ताज हैं, मैं इनके कदमों की धूल को अपने सर का ताज बनाकर शेर पढ़कर अपनी बात को खत्म करता हूँ। कल कयामत के दिन मैदान महशर का नक्शा सामने रखिए, एक आशिक बारगाह रिसालत में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह निगाह से ही मुझे क्या पिला के छोड़ दिया, निगाह से ही मुझे क्या पिला के छोड़ दिया, मैं क्या बताऊं मुझे क्या बना के छोड़ दिया, फिर लेके जहन्नम में जा रहे थे मगर मुझे हुजूर ने उनसे छुड़ा के छोड़ दिया, फिर रिश्ते लेके जहन्नम में जा रहे थे मगर, फिर रिश्ते लेके जहन्नम में जा रहे थे मगर मुझे हुजूर ने उनसे छुड़ा के छोड़ दिया। हम गरीब नवाज के मुल्क में बैठे हैं, अभी छठी हुई ख्वाजा गरीब नवाज की। सच्ची बात यह है, गरीब नवाज की शान तो यह है जुबैर भाई, हर एक गरीब पे खाते तरस गरीब नवाज, हर एक गरीब पे खाते तरस गरीब नवाज, तलब हो एक की देते हैं 10 गरीब नवाज, और अमीरों को तो मुबारक अमीर की चौखट, हमारे वास्ते काफी है बस गरीब नवाज, अमीरों तुमको मुबारक अमीर की चौखट, हमारे वास्ते काफी है बस गरीब नवाज, हमारे वास्ते काफी है बस गरीब नवाज। जो पत्थर दिल का ख्वाजा ने उसे पानी बना डाला, दिले में नूर को एक पर में नूरानी बना डाला, और कोई 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 जयपाल जो की बन के जब आया है जादूगर, मेरे ख्वाजा ने अब्दुल्लाह बयाबानी बना डाला, मेरे ख्वाजा ने अब्दुल्लाह बयाबानी बना डाला। वक्त बहुत कम है, मैं आपकी खामोश मिजाजी को समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, आइए मैं बहुत ही अदब और इत्राम के साथ अब आपकी बज़्मे मोहब्बत में मैं हिंदुस्तान के उस फनकार को पेश कर रहा हूँ। अगर वो फनकार आपके सामने सदाकत पर बोलेगा तो सिद्दीक अकबर की याद आएगी, अगर अदालत पर बोलेगा तो सैयदना फारूक आजम की याद आएगी, अगर शुजात पर बोलेगा तो मौलाए कायनात की याद आएगी, अगर सखावत पर बोलेगा तो उस्माने गनी की याद आएगी, और अगर कब्र के मौजूदात को छेड़ देगा तो महफिल में अंधेरा छा जाएगा, और अगर गर्मी पर बोलेगा तो आपको मैदान महशर का नक्शा नजर आएगा, और अगर इश्क रसूल पर बोलेगा तो आला हजरत की याद आएगी, अगर तकबे पर बोलेगा सरकार मुफ्ती आजम हिंद की याद आएगी, अगर फतवे पर बोलेगा तो हुजूर फाजिले बरेलवी की याद आएगी, और अगर आज की शायरी पर बोलेगा तो मिर्ज़ा गालिब के जितने मुरीद हैं सब उनकी अकीदत तोड़कर उनसे मुरीद हो जाएंगे, अगर तकब पर बोलेगा तो शमसुर रहमान फारूकी जैसे लोग इनके ख्यालात के आस्ताने पर अपनी चादर चढ़ाकर नजर आएगा। मैं बिना अगर सियासत पर बोलेगा तो हफ्ता दिन तक आपको अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बिला ताकी अशरे ये मौसा फैजगंज की सरजमीन पर अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस होने वाली कॉन्फ्रेंस की कामयाबी की लोग को तेज करने के लिए खतीब हिंदुस्तान अमीर ईश्वरी खिताबत अमीर मसलके आला हजरत मौलाना मुफ्ती जलीसुल कादरी साहब के बिला माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। सारा मजमा मेरे साथ मिलकर आलिमाना अंदाज में एक आलिम रब्बानी का इस्तकबाल कर ले, अपने हाथों को चादरों से निकाले, नबी के नाम पर दोनों हाथों को उठाकर मेरे साथ मिलकर हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीसुल कादरी का इस्तकबाल कर ले, और याद रखिएगा अपने हाथ को इस अकीदे से उठाइए कि जो हाथ नबी के जलसे में नबी के नाम पर उठेगा उसके हाथ में कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी, कभी पैरालाइज नहीं होगा। अब दोनों हाथों को नबी के नाम पर उठाकर हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीसुल कादरी का इस्तकबाल कर ले, सारा मजमा शिद्दत से होकर बोलिएगा नारे तकबीर।
माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। और उनके बाद आबरूए किताबत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब क़िबला आ रहे हैं, रास्ते में हैं, जब तक वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। जुबैर भाई कह रहे हैं वो तशरीफ ला रहे हैं, उनकी ही तकरीर होगी। सैयद साहब की आप लोग बैठे रहिएगा, इसी अंदाज में सुनिएगा, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। दिल लगा के बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत। आला है कौन कौन, आली है कौन कौन, मौला अली की दरगाह सवाली है कौन कौन, अहमद रजा के नाम का नारा लगा के देख, चेहरा बताएगा कि हलाली है कौन कौन, अहमद रजा के नाम का नारा लगा के देख, चेहरा बताएगा कि हलाली है कौन कौन, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अरे वाह, अपने पास से नहीं दिए, जो मिले वही दे रहे हो। हाँ जी, लगा के बोलिए, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीसुल कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा अहले सुन्नत फैजुल कुरान, सर जमीन अशरफपुर फैजगंज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस चार मिसरों के साथ माँ का तस्वुर कर लीजिए, जिनकी माँ जिंदा है वो उनका तस्वुर करें, जिनकी माँ का इंतकाल हो गया उनके चेहरे को याद करके जहन में बिठा लें। और बस चार मिसरों के साथ मैं ये चार मिसरे पढ़ के मुफ्ती साहब को आपके हवाले करूं कि सर फिरी भी हो गई तो क्या हवा ले जाएगी, फूल की खुशबू महकने की अदा ले जाएगी, जानलेवा हादिसों के दरमिया से खींच कर तुझको घर वापस तेरी माँ की दुआ ले जाएगी, तुझको घर वापस तेरी माँ की दुआ ले जाएगी।